आज मैंने आपको ये रिंग बना के दिखाऊंगा, कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और आप भी ऐसा काम कर सकते हो। और जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने हर कोई ना कोई अच्छा डिजाइन आपको करके दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। और किसी ने ये ज्वेलरी क्या डिजाइन का काम सीखना चाहते हो, फुल कोर्स करना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आप उसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये ज्वेलरी कैट डिजाइन का काम आप सीख सकते हो। और मैंने ये ज्वेलरी कैट डिजाइन का फुल कोर्स ऑनलाइन में सिखाता हूँ और मैं ऑनलाइन क्लास कराता हूँ सिंगल सिंगल। ये रिंग बना के आपको दिखाऊंगा, तो आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कौन सा मैंने टूल यूज़ करता हूँ, कौन सा क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता हूँ। आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप स्किप करके जाओगे तो आपको काम पूरा समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए बोलता हूँ आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, कौन सा कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। आप अच्छी तरह से देखिए और ऐसा काम प्रैक्टिस कीजिए, आप भी ऐसा काम कर सकते हो। तो मैं अभी इस रिंग को बना के आपको दिखाऊंगा कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, मैं शुरू करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेनोमेट्रिक क्लास। अभी मैंने इस रिंग को कैसे ड्राइंग करता हूँ, उसका आईडी लेता हूँ, सेम टू सेम करके आपको दिखाता हूँ। आपको भी ऐसा करके काम करना चाहिए, आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिए मैं कौन सा टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, कैसे किसको अप डाउन रखता हूँ। तो आप भी ऐसा फॉलो करके काम करोगे तो आप भी खूब अच्छा अच्छा डिजाइन बना सकते हो। Thank you.
आप कोई भी काम करने का टाइम अच्छी तरह से, आपको ड्राइंग करने का उसका शेप भी अच्छी तरह से कर लेगा, क्योंकि आप जितना अच्छा काम का शेप बनाओगे आपका काम भी उतना ही अच्छा होगा। तो इसके लिए हर टाइम ध्यान में रखने का काम को अच्छी तरह से ड्राइंग करने का, करके काम करने का, तो आप खुद भी आपका काम देख के आपको भी अच्छा लगेगा। और अच्छी तरह से ड्राइंग का शेप परफेक्ट करने का, ठीक है। आप ड्राइंग गड़बड़ करोगे तो डिजाइन भी गड़बड़ हो जाएगा, तो इसके लिए हर टाइम ड्राइंग अच्छे तरीके से करने का।
कैसे इसका पूरा आउटर साइड बिजिल भी रखता हूँ वो भी ध्यान देने का, जो कैसे मैंने बिजिल रखा है, कैसे मैंने बिजिल को बनाया। तो आपको भी कोई भी काम का उसका आउटर साइड बिजिल रहता है और अंदर का साइड पूरा क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि काम को लाइट वेट में अच्छी तरह से करने का। और मैंने कैसे स्टोन बिठाता हूँ, और स्टोन को भी बिठाने का मतलब उसको भी लाइन में बिठाने का मतलब, आपको आप ऐसा वैसा करके स्टोन बिठा दोगे तो चलेगा नहीं, उसको भी एक लाइन होता है, उसी लाइन का हिसाब से मतलब हर साइड का स्टोन भी एक लाइन होना चाहिए, मतलब कोई भी आगे पीछे स्टोन रहेगा और इधर उधर पोंग बिठा दूँ तो चलेगा नहीं, उसको भी आपको एक अच्छी तरीक़ा से लाइन में बिठाने का। कभी कभी स्टोन को भी आगे पीछे करना पड़ता है तो भी उसको एडजस्ट करके बिठाना पड़ता है।
और मैंने ये ऑनलाइन क्लास कराता हूँ, सिंगल सिंगल करके क्लास लेता हूँ। आप किसी ने ऑनलाइन ये कैट डिजाइन सीखना चाहते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर दे दूँगा, आप उसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।
और आपको हर टाइम ध्यान में रखने का, जे अंदर साइड कहीं पे भी ज़्यादा मटेरियल रहेगा तो उसको काट के क्लियर करना चाहिए। Thank you.
अभी मेरा काम हो गया, आपको मैं अच्छी तरह से घुमा फिरा के दिखाता हूँ। आप भी देखिए कैसे मैंने इसको रेडी किया है। तो आपको भी ऐसा करके काम करना चाहिए, तो आप खुद भी अच्छा अच्छा डिजाइन आप कर सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, क्योंकि और किसी को भी हेल्प हो सकता है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट कोई अच्छा डिजाइन लेके आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा।